हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का आज का लेक्चर नंबर 3rd है। इसका मतलब दो लेक्चर हम पहले अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, सेकेंड लेक्चर के अंदर एंट्रीज करी थी बिल बी आर की इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड बिल्स पेबल की इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑनर ऑफ अ बिल। अगर एक बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा। अब सबसे पहले समझते हैं डिसऑनर क्या होता है। तो ये है हमारा यहां पर मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स जो है इसने गुड सोल्ड किया। अब पूरी कहानी एक बार दोहराऊंगा फिर डिसऑनर समझ में आएगा। मिस्टर एक्स ने गुड सोल्ड किया किस को, मिस्टर वाई को, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब समझते हो, उधार। ओके मतलब मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को पैसे देने हैं, लेकिन मिस्टर वाई के पास पैसे नहीं है। वो बोल रहा बाद में दूंगा, तभी तो उधार हुआ, ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने एक बिल बनाया जिसको हम बोलते थे ड्राफ्ट। मिस्टर एक्स ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और वो ड्राफ्ट पे किसको भेज दिया, मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने क्या किया, उस ड्राफ्ट को सबसे पहले एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर साइन करके वापस मिस्टर एक्स को सेंड कर दिया। जैसे ही मिस्टर वाई ने इस ड्राफ्ट पर साइन किए जो मिस्टर एक्स ने तैयार किया है, ये ड्राफ्ट बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज और ये मिस्टर एक्स के लिए बीआर और मिस्टर वाई के लिए बिल्स पेबल। मिस्टर एक्स के लिए बीआर जो कि एक एसेट है, मिस्टर वाई के लिए बिल्स पेबल जो कि एक लाइबिलिटी है, क्योंकि मिस्टर वाई को पैसे देने हैं और मिस्टर एक्स को लेने हैं। यहां तक तो कहानी ओके है। अब हमने इसकी जनरल एंट्रियां भी कर ली, जनरल एंट्रियां भी हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा। उसके बाद एक ड्यू डेट पर ये बिल जो है, ये बी आर जो है, ये मिस्टर एक्स किसको दिखाएगा, मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई पेमेंट कर देगा। पहला केस ये था अगर वो अपने पास में रखें, सेकेंड लेक्चर के अंदर सिखाया था मैंने। सेकेंड केस के अंदर ये हो सकता है कि मिस्टर एक्स ने किसी को एंडोर्स कर दिया, किसी को बेच दिया बिल, वो जाएगा मिस्टर वाई के पास पेमेंट लेने के लिए। तो मिस्टर वाई अगर उसको मना कर दे पेमेंट करने से, डिफॉल्ट कर दे पेमेंट में, या फिर मिस्टर एक्स ने वो बिल बैंक से डिस्काउंटेड करा दिया था और बैंक जाए मिस्टर वाई से पैसे मांगने, मिस्टर वाई बैंक को भी पेमेंट करने से डिफॉल्ट कर दे, या फिर बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया था मिस्टर एक्स ने, बैंक गई कलेक्ट करने के लिए, वहां पर भी वाई ने डिफॉल्ट कर दिया। कहने का मतलब किसी भी केस के अंदर अगर मिस्टर वाई ड्यू डेट पर पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर देता है, यानी कि पेमेंट नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल। अब इसकी एंट्रियां क्या होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री इफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर करता हूं उसे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में करता हूं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर हमारे यहां केस में कौन है, ए है ना, जिसके लिए एसेट है, बी आर है, उसकी बुक्स में देखते हैं। अगर वो अपने पास में रखता है, फर्स्ट सिचुएशन लेंगे, ए सिचुएशन, बी आर केप्ट बाय ए, भी अपने पास में रखता है ड्यू डेट तक, तो सबसे पहले जब वो बिल एक्सेप्ट किया होगा वाई ने, तो इसने एंट्री क्या करी होगी, बी आर एसेट है तो बी आर अकाउंट डेबिट और टू किसका नाम लिखा होगा, टू वाई इज अकाउंट। ऐसा क्यों, मैंने बताया था कि वाई जो डेटर था अब डेटर नहीं रहा, उसकी जगह बी आर आ गया है, नया बिल आ गया है, वाई अकाउंट। मान लेते हैं अमाउंट है 10,000। अब वो ड्यू डेट आ गई, ये तो बिल लिखने की डेट हो गई है ना। अब ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट आ गई, अब ड्यू डेट पे पेमेंट में डिफॉल्ट हो गई। पेमेंट क्या हो गया, डिफॉल्ट, यानी कि वाई ने पेमेंट किया ही नहीं। ड्यू डेट पे वाई से पैसा मांगने गया, बिल दिखाया, भाई पैसा निकाल, वाई ने बोला नहीं, डिफॉल्ट हो गई। तो अब एंट्री क्या होगी, अब ये बी आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी आर को तो क्रेडिट कर देंगे, ये एसेट कुछ काम की नहीं है, ड्यू डेट चली गई, एक्सपायर हो गई, तो इस एसेट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यूलेस हो गई है, तो क्रेडिट करके खत्म करो, दी एंड करो। हाँ, वाई से पैसे अभी भी लेने हैं तो वाई को वापस डेटर बना दो, एकदम ऑपोजिट एंट्री हो गई है ना। ये ही है, इसी को बोलते हैं बिल
डिसहोनर्ड, और उस केस में ये एंटर की जाती। ओके नेक्स्ट, ये सिचुएशन ये थी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ए की बुक्स में, बी की बुक्स में, सॉरी बी की बुक्स में नहीं, ए की बुक्स में ही कर रहे हैं। ए लिया था, क्या लिया था मैंने, अच्छा एक्स और वाई लिए थे, तो एक्स नहीं, यहाँ एक्स ले लो, सॉरी पार्टनर एक्स, मतलब पार्टी एक्स और पार्टी वाई। इसमें ए केस हो गया, बी केस लेके देखते हैं और क्या केस हो सकता है इसके अंदर। बी नंबर केस में इफ बी आर एंडोर्स्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर जेड, मिस्टर एक्स ने उसको एंडोर्स कर दिया था जेड को, जेड कोई पैसे मांगने वाला था, एक्स के पास आया पैसे मांगने के लिए, एक्स के पास पैसे थे नहीं, उसके पास बी आर पड़ा था, उसने उठा के उसको बी आर दे दिया, तो एक लाइबिलिटी खत्म हो गई मिस्टर जेड, तो जेड अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में बी आर चला गया, एक एसेट चली, एसेट चली गई, तो वो क्या करेगा, बी आर अकाउंट, है ना, ये वाली एंट्री बिल लिखने वाली तो एक बार हो गई यहां पर, है ना, ठीक है। अब ये एंट्री कर दी उसने एंडोर्स की, ये एंट्री कर दी एंडोर्स के टाइम की। अब ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट देखो, ड्यू डेट को क्या हुआ, डिफॉल्ट, किस में डिफॉल्ट, पेमेंट, पेमेंट नहीं हो पाया, तो अब जेड, जेड गया होगा एक्स वाई के पास में पैसे मांगने के लिए, बी आर दिखाया होगा पैसा निकाल, वाई ने मना कर दिया, तो डिफॉल्ट हो गया, बी आर डिसऑनर्ड हो गया। बी आर डिसऑनर्ड के केस में अब एंट्री एक्स क्या करेगा, एक्स क्या करेगा, सबसे पहले, सबसे पहले वो बी आर जो है उसको डेबिट कर देगा, बी आर अकाउंट डेबिट वापस, और जेड को क्या कर देगा, क्रेडिट। ये तो हो गई एंडोर्स वाली, इसके अलावा एक एंट्री और वो उल्टी करेगा, वो कौन सी करेगा, देखो एक तो ये करेगा डिसऑनर्ड के टाइम में कि जेड को वापस क्रेडिटर बनाना है क्योंकि उसको पैसे मिले नहीं और बी आर को डेबिट कर दिया। इसके अलावा एक और एंट्री करेगा, वो ये वाली, इसकी भी उल्टी एंट्री करेगा, जब उसने बिल बिल जो है एक्सेप्ट किया था वाई ने, तो उस टाइम एंट्री करी थी बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, लेकिन वाई ने पैसे तो दिए नहीं, तो वाई को वापस डेटर बना दो और टू बी आर, बी आर खत्म करो, तो ये दो एंट्री होगी। ओके नेक्स्ट, ये हो गया ड्रोवर की बुक्स के अंदर, एक्स की बुक्स के अंदर सिचुएशन नंबर बी, ड्रोवर की बुक्स के अंदर सिचुएशन नंबर सी पे आ जाते हैं। थर्ड सिचुएशन वो हो सकती है इफ बी आर डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड बाय मिस्टर एक्स, अगर मिस्टर एक्स ने, उस ड्रोवर ने उस बिल को क्या कर दिया, डिस्काउंटेड करा दिया, कहां से, बैंक से, तो सबसे पहले बिल जब एक्सेप्ट किया होगा तब एंट्री क्या होगी, वो मैं लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, वो एंट्री होती है बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, सबसे पहले यही एंट्री हुई होगी, ठीक है। सेकंड नंबर डिस्काउंटेड वाली एंट्री क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बैंक से, ठीक है, कुछ डिस्काउंट भी हुआ होगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू टू बी आर अकाउंट। अब यहां देखो बैंक से पैसे कुछ आ गए थे, अब ये एंट्री हो गई, अब यहां पर वो बी आर किसके पास है, बैंक के पास है, बैंक ड्यू डेट पर दौड़ा दौड़ा किसके पास जाएगा, वाई के पास में, वाई को बोलेगा भाई पैसे निकाल, वाई ने बोला नहीं है, डिफॉल्ट कर दी पेमेंट के अंदर, तो अब बैंक वो पैसे किससे मांगेगा, बैंक वो बी आर लाएगा और उठा के पटकेगा एक्स के सामने, ये पकड़ तेरा बी आर बेकार है मेरे तो पैसे निकाल, तो बैंक को तो हमको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, बट ये बी आर डिसऑनर्ड की एंट्री क्या करेगा, कौन, ड्रोवर एक्स, ये बी आर डिसऑनर्ड हो गया, तो ड्यू डेट पे बी आर है वो क्या हो गया, डिसऑनर, और जैसे बी आर डिसऑनर्ड होगा एंट्री हो जाएगी उल्टी, वाई को वापस बना दो डेटर, तो वाई इज अकाउंट डेबिट क्योंकि वाई ने एक रुपया भी नहीं दिया है तो उसे लेने हैं, और बी आर कुछ काम का नहीं, ड्यू डेट चली गई, कुछ काम आया ही नहीं, तो कैंसिल। ओके ठीक, और बैंक को हमें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ओके ये होगी बी आर डिस्काउंटेड बाय मिस्टर एक्स फ्रॉम बैंक, अगर डिस्काउंटेड करा दे तो, बी आर को भुना ले तो, ठीक है। तो ये ड्रॉअर की बुक में सिचुएशन कितनी हो गई, ए बी सी, तीन सिचुएशन हो गई। आइए सिचुएशन नंबर डी करते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, है ना। अगर मिस्टर एक्स ने क्या किया, बी आर सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया, बैंक को भेज दिया भाई कलेक्ट कर लेना पैसा हमारा,
तो सब शुरू में ही चलेंगी। फर्स्ट एंट्री क्या करी होगी, फर्स्ट एंट्री करी होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, ये बिल लिखते टाइम। सेकेंड एंट्री कलेक्शन के लिए भेजा, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बी आर। अगर कलेक्शन हो जाता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, लेकिन वो तो होगी नहीं एंट्री। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो बैंक तो गया वाई के पास में पैसा मांगने के लिए बिल दिखा के, लेकिन बैंक वाई ने मना कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट के अंदर। अच्छा, तो पैसा तो आएगा ही नहीं, तो एंट्री कैंसिल करो। दोनों एंट्रियाँ कैंसिल होगी इस केस में, ठीक है। फर्स्ट एंट्री जो कैंसिल होगी उसको मैं देखो इस पेन से लिखता हूँ। फर्स्ट एंट्री ये ड्यू डेट पर, यानी कि जब डिफॉल्ट होगा, यानी कि जब डिसहोनर्ड हो जाएगा बिल, उस केस में एक तो एंट्री होगी वाई को डेबिट करो, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर, एक तो ये होगी। एक इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा ना, ये भी एंट्री कैंसिल हो जाएगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और आप यहां पर अगर देखेंगे ना, तो देखो दो चीजें तो आपस में कट ही रही है, बी आर से बी आर गया, तो ऑटोमेटिक इसकी जगह एक एंट्री भी कर सकते हैं। वो कौन सी? वो ये देखो, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, है ना, एक एंट्री भी कर सकते हैं। ये किसकी है? डिसऑनर्ड के टाइम की एंट्री। ये सब एंट्री कब होगी? अगर वाई डिफॉल्ट कर दे किसके अंदर, पेमेंट के अंदर। अगर ड्रोवी डिफॉल्ट कर दे पेमेंट के अंदर तो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है। उस केस में ड्रोवर की बुक्स में अलग अलग सिचुएशन के अंदर डिसऑनर्ड की एंट्रीज अलग अलग होती है। ओके, ठीक है। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ ड्रोवी आ जाओ, वो क्या करेगा जिसने ये सब कारनामे किए, कांड किया और पेमेंट नहीं किया? तो इन द बुक्स ऑफ ड्रोवी, और वो कौन है हमारे केस में? वाई। वाई क्या एंट्री करेगा? सबसे पहले जब बिल एक्सेप्ट किया होगा तो इसने एंट्री करी होगी, लायबिलिटी क्रिएट कर दी होगी और एक लायबिलिटी खत्म कर दी होगी जो एक्स नाम की थी, क्योंकि एक्स को पैसे देने थे, वो गया, उसकी जगह न्यू लायबिलिटी आ गई, बिल्स पेबल अकाउंट, एक तो ये एंट्री करी होगी। ये तो बिल एक्सेप्ट करते टाइम करी होगी। अब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पे एंट्री तो ये होनी चाहिए थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन पैसा दिया ही नहीं तो वो एंट्री हो नहीं सकती, बिल हो गया डिसऑनर्ड, डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में। तो डिसऑनर्ड के केस में क्या एंट्री करेंगे? तो डिसऑनर्ड के केस में एंट्री हो जाएगी इसकी उल्टी, जस्ट बिल्स पेबल को खत्म करो, क्योंकि अब वो बिल्स पेबल भी कुछ काम का नहीं है, ड्यू डेट चली गई और एक्स अभी भी वाई के लिए क्रेडिटर ही है, क्योंकि एक्स को पैसे देने हैं। तो ये डिसऑनर्ड की एंट्रियां थी। आने वाले टाइम में हम ड्यू डेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं और फर्दर कुछ इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। अगर इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स की, तो शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।